के बाद स्वागत है आप सभी का। अब रुक करेंगे खबरा तहसीलरी का और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के सांभर से खबर है, राजकीय शाखंभर पीजी कॉलेज में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय खो खो टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। मुख्य आतिथ्य में कबड्डी के पूर्व नेशनल खिलाड़ी हीरालाल कटारिया समारोह में मौजूद रहे। टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 21 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का प्रथम मैच सांभर कॉलेज व कालवाड़ की बियानी कॉलेज के मध्य खेला गया, जिसमें सांभर कॉलेज विजेता रहा। कठुवर से खबर, खेड़ली बोर्ड पर विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 51 किलो फूल की माला राजस्थानी साफे से स्वागत हुआ और तलवार भेंट की गई। इस दौरान आसमान नरेंद्र मोदी के जयकारों से गूंज उठा। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। सांभर के दादू साधना धाम में दादू पंथ के प्रथम आचार्य संत प्रवर श्री जयंत राम महाराज की 291वीं जयंती मनाई गई। दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में आयोजित जयंती पर भजन कीर्तन के साथ दादूवाणी जी की महाआरती की गई। तत्पश्चात महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। सांसद रामचरण बोहरा ने भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में स्वीकृत सैनिक स्कूल के उद्घाटन करने पर चर्चा की। बोरा ने बताया कि यह विद्यालय पीपीपी मॉडल पर खोला जाएगा। सिकराय के सिकंदरा कस्बे में अयोध्या से आए पीले चावलों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी पहुंचे। शोभायात्रा के बाद मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं को पीले चावल घर घर बांटने के लिए वितरित किए गए। जयपुर में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हरे कृष्ण मूवमेंट में श्री कृष्णा बलराम मंदिर में पहुंचे, जहां भगवान के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही गीता जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि गीता में ज्ञान की गंगा बहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म से विमुख न होकर और संतुलित जीवन जीने का उपदेश दिया। और चलिए नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर से खबर, फतेहपुर शहर के त्रिवेणी भवन में रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। दिव्य झांकी से सुसज्जित क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। कलश यात्रा में गणेश जी महाराज, नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज, भगवान शिव सहित अनेक झांकियां विराजित की। पंडित डॉक्टर दिव्य भारत ने कहा कि महायज्ञ से सिर्फ हिंदू धर्म की परंपरा को बल मिलता है, बल्कि वातावरण भी शुद्ध होता है। सीकर के धोद पुलिस थाने में कार्यरत रिंगस निवासी कांस्टेबल प्रधान निठार बार का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिनका पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। यहां पर पुलिस लाइन से आए जाप्ते के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झुंझुनू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की योजनाओं का ढिकाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने लाभ उठाया। ग्रामीण जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार की योजना के चलते लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें सरकार द्वारा योजनाओं के तहत चेक भी वितरित किए हैं। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में गोवंश के पैर काटने का मामला है सामने। गोवंश के साथ ऐसी घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। मौके पर लोगों ने असम के कुछ नाबालिग बालकों पर सांड पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 4 नाबालिगों को पुलिस ने डिटेन किया। गायों का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। और चलिए नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के फलसूर में अलसुबह चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए, जिसमें 1 किलो 500 ग्राम चांदी, 2 किलो सोना व करीब 2 लाख रुपए नकदी शामिल रही। सूचना पर फलसून पुलिस मौके पर पहुंची, पर चिन्हों व घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर। फलौदी में बंद मकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर नकबजनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी गणों से माल मशरूका बर्तन को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी गणों से नकबजनी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। जैसलमेर के भड़ियाना में चोरों ने परिवार को घर में बंद कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने देवीलाल दर्जी के घर से 1,70,000 नकदी, 1 किलो से अधिक चांदी और 3 किलो से अधिक सोने के गहने पर पार कर दिए। पीड़ित परिवार ने फलसून पुलिस को सूचना दी। फलसून पुलिस ने पचिनों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। फलौदी के मला रोड पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के पास बने ओवरहेड टैंक से पानी 3 दिन से लगातार बह रहा है, लेकिन PHED अधिकारियों को बार बार सूचित किए जाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे मलार रोड पर पानी एकत्रित हो गया है, जिससे वाहन चालकों और अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
फलौदी के स्थानीय युवा उद्यमी भारत थानवी और मनीष चौधरी को मुंबई में आईएआर फॉर्ज टेक्नोलॉजी की ओर से राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। थानवी को रक्षा मंत्रालय के ड्रोन प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया है। वर्तमान में इनके नाम से 2 पेटेंट पंजीकृत हैं। जसवे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूरण कुमार शर्मा व विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार बिश्नोई ने शहर में स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। वहीं सड़क किनारे सो रहे लोगों को रैन बसेरे की जानकारी। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली शहर के मस्तान बाबा क्षेत्र में एक बच्ची को बाइक सवार ने चपेट में ले लिया। घायल बच्ची को उपचार के लिए बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। घटना की जानकारी के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पाली के रायपुर से खबर है। सिंधड़ा गांव में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों के साथ सुरक्षा सप्ताह मनाया। ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया गया कि तेल और गैस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को पाइपलाइनों की सुरक्षा के प्रति अवगत करवाया है। अब चलिए नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर से खबर है। शुगर मिल के लिए राजस्थान सरकार स्थानीय गन्ना उत्पादक किसानों से गन्ना खरीदकर चीनी का उत्पादन करती है। तो वहीं आसपास के क्षेत्र में गुड़ बनाने की दर्जनों भट्टियां भी देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश से आए कारीगरों के द्वारा गन्ने के रस का इस्तेमाल कर उम्दा क्वालिटी का गर्मा गर्म स्वादिष्ट गुड़ बनाया जाता है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर और पंजाब के लोग यहाँ से गर्मा गर्म गुड़ खरीदते हैं। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर से खबर है। अयोध्या में हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रीविजयनगर के आरसीपी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी की ओर से कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। टोंक ब्लॉक की ग्राम पंचायत डाडा हिंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा की मौजूदगी में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को ड्रोन उड़ाकर दिखाया। इस आधुनिक तकनीक से किसानों को रूबरू भी करवाया गया। ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोमल मोटियार ने बदाम देवी बुरट धर्मशाला और विजयनगर रोड प्राइवेट बस स्टैंड पर रेन बसेरे का निरीक्षण किया। एसीजेएम कोमल मोटियार ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की जांच की, विश्राम करने वालों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए। नागौर के मीरता सिटी में मीरता वस्त्र व्यापार संघ द्वारा बाजार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मीरता के नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण कलरू और भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन हुआ। इस दौरान व्यापारियों ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। अपने व्यापार संबंधी व क्षेत्र संबंधी समस्या के बारे में लोगों को अवगत भी करवाया। खबर अजमेर के गंज थाना क्षेत्र से है, जहां दहली गेट स्थित ज्वेलरी शॉप को 3 छात्र महिलाओं ने बनाया निशाना। चांदी की 49 विदेशी अंगूठियों से भरा बॉक्स चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर माल बरामदगी के प्रयास में जुटी है। नागौर के मिर्ता सिटी के नवनिर्वाचित विधायक कलरू ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पाए गए कमियों को दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान शहरवासियों मिर्ता हॉस्पिटल में बेड बढ़ाकर 100 बेड करने, शहर के पुराने चिकित्सालय को जनाना, चिकित्सालय बनाने, पिछले सरकार में रुका हुआ ट्रॉमा सेंटर खुलवाने की मांग की। नागौर के जायद में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सुरपालिया में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को कृषि विभाग की मृदा स्वास्थ्य योजना के कार्डों का वितरण किया, साथ ही आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निर्वाणा से खबर। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय 2 गुना करने को लेकर तरह तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। इस दौरान छोटे छोटे और मझौले किसान जो बकरी और भेड़ पालन के माध्यम से अपनी आय 2 गुना कर सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। निजमाना के बांगड़ राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फीस बढ़ाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने टायर जलाकर विरोध जताया गया, साथ ही कुलपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। मांग पूरी नहीं होने पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी।
ब्यावर में बाजारों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन एक्शन में आया। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता आयुक्त श्रवण राम चौधरी के निर्देश पर पाली बाजार पहुंचा। परिषद कर्मचारियों को देखते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक मीणा ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी और कहा कि चालान बनाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 18 और 19 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में ब्यावर से अधिक सदस्य भाग लेने हेतु निर्णय लिया गया है। मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं की उपशाखा स्तर पर समाधान करने की बात कही। ब्यावर में व्यापार संघ पदाधिकारियों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त श्रवण राम चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार संघ पदाधिकारियों ने अधिकारियों को शहर में वर्तमान में आवारा सांडों की बाढ़ सी आ रही है और हर गली मोहल्लों में इन आवारा सांडों ने आतंक मचा रखा है, जैसी समस्या से अवगत करवाया, जिस पर दोनों अधिकारियों ने शीघ्र इन दोनों समस्याओं का निराकरण और आमजन को राहत देने का आश्वासन किया। नसीराबाद आबकारी आयुक्त राजस्थान ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत दौरान आबकारी आयुक्त अजमेर और उपायुक्त जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने पिकअप गाड़ी आरजे 29GB147 से 132 कार्टून अवैध शराब के जब्त किए, साथ ही जिससे 6336 पौवे और विभिन्न ब्रांड की देशी शराब को जब्त किया गया। नागौर जिले की गोठा थाना पुलिस ने लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में हरसोलाव रोड पर आधा दर्जन वाहन चालकों से रुकवाकर उनसे मारपीट करते हुए नकदी लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया। पुलिस ने धारा 395 में प्रकरण दर्ज किए। यहां रुकेंगे एक छोटा संभाग की तहसील की खबरें। कोटा के बुढ़ादीत थाना क्षेत्र के खूमला गांव में खेत पर कार्य करते हुए किसान की मौत हो गई। बुढ़ादीत थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अल सुबह अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर के आर के पुरम अंबाबाता घाटी और बलीचा में 5 निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान अधिकारी पुलिस और होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे। लेक सिटी उदयपुर में ठंड बढ़ने लगी। हार्ड कपाती ठंड से दिन रात के तापमान में गिरावट आ गई। जिलों के शहर में ठंड का टॉर्चर शुरू हो गया। मैदानी इलाकों में तापमान में न्यूनतम गिरावट के साथ ही ये 5 डिग्री के करीब आ गया। वहीं शहर का तापमान भी 7.9 डिग्री पर पहुंच गया। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति के भीलबगरा गांव में पुस्तानी जमीन पर निर्माण करवाने पर जाति विशेष के लोगों ने विरोध किया है, जबकि 2 साल पहले घोसुंडी पंचायत ने ग्रामीणों की रजामंदी से पंचनामा बनाकर पीड़ित रमेश चंद्र आमेटा को उसकी पुस्तानी जमीन सुपुर्द की थी, जिस पर पड़ोसी गहरी लाल सुथार ने कब्जा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों ने SDM BDO और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। और नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर हारून अजमेरी की तस्करी की काली कमाई से अर्जित 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। जिले में पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ फ्रीजिंग की 4थी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अब तक 17 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर चुकी है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मुंदड़ी नाले में नवजात शिशु का शव कपड़ों में लिपटा हुआ देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचित कर दिया, जिस पर हेड कांस्टेबल कचरूलाल तत्काल घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका कर्मचारी को सूचित किया, जिस पर कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव कुशलगढ़ अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया। डूंगरपुर जिले की धम्बौला थाना पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी, साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक डेचा ने सागवाड़ा पंचायत समिति की नौखना पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया, वहीं आमजन को संबोधित किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को यात्रा के दौरान वंचित लोगों से आवेदन करवाकर योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने का आह्वान भी किया।
डूंगरपुर की गडाज सराजपुर पंचायत में पिछले 50 साल से पेनल्टी भरे जाने के बाद कब्जाशुदा जमीन पर अवैध रूप से पट्टे काटने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने सरपंच, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मामले की जांच कर उन्हें न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर में कलेक्ट्री रोड पर दो बाइक आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 3 साल के बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा के मंडिया हुसैनी चौक पर 16 वर्षीय तौफीक हुसैनी की निर्मम हत्या कर दी गई। शव पर धारदार हथियार से कई वार करने के निशान मिले। राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौके से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही। बांसवाड़ा के घाटौल से खबर, माही कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती तक पहुंच गया। घाटौल कस्बे के वार्ड नंबर 21 के घरों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे घर में रखा अनाज व पशुओं की घास सहित अन्य सामान खराब हो गए। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक में 2 दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात हुई, जिससे व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इस दौरान व्यापारियों ने बाजार बंद कर रास्ते को जाम करवा दिया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की मांग की। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हनुमान चौराहा के निकट बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रोले को जब्त करते हुए फरार चालक की तलाश शुरू की। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सरपंच पति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।